अब कल एक मेरे पास कहीं से फोन आया था गुजरात से। अब वो मुनि है, साधु है, श्वेतांबर साधु है। उनका फोन आया था कि हम आपकी क्लिप वगैरह सुनते हैं, तो प्रश्न ये है कि देह की क्रिया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, देह की क्रिया से कोई फायदा है कि नहीं। अच्छा, बिना देह की क्रिया के धर्म हो जाएगा क्या? ये प्रश्न है मंगलसेन जी। है बताओ, देह की क्रिया के बिना धर्म हो सकता है? है हो सकता है देह की क्रिया के बिना धर्म? देखो, जब ये प्रश्न पूछो लोग घबराते हैं, जबकि ये प्रश्न दो कौड़ी का है, दो कौड़ी का। ये नहीं समझने के कारण ये प्रश्न तुम्हारे लिए परेशान करता है, क्योंकि तुम घबरा जाते हो, ऐसा ऐसा सोचने लगते हो कि यार हो सकता है कि नहीं हो सकता। जबकि इस प्रश्न में ऐसा सोचना ही नहीं है आपको कि धर्म हो सकता है कि नहीं साहब देह की क्रिया। अरे बात यह है कि देह की क्रिया जितनी होने योग्य है वो होगी, उसमें क्या करना और क्या नहीं करना ये प्रश्न ही बेकार है। मेरा प्रश्न है आपसे, देखो आप इसमें जल्दी उत्तर दोगे। अब माँ को अपने बेटे से ममता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कोई कैसा प्रश्न है ये प्रश्न बन सकता है क्या? ये प्रश्न बन रहे, प्रश्न हो सकता है करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए इसमें? वो तो होती है, पकड़ में आ रहा मुद्दा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो आदमी को, मैं सारी दुनिया को देखता हूँ, मेरे पास जब भी ये मेरे प्रवचन वगैरह कहीं भी क्लिप वगैरह घूमती रहती हैं, तो अब आजकल तो ऐसे ऐसे फोन आते हैं, वो प्रश्न एक ही ऐसा, वो आप देह की क्रिया बिल्कुल उड़ा देते हो। मैं कौन हूँ उड़ाने वाला? मेरे बाप की है क्या जो उड़ा दूँ मैं? भाई वो तो क्रिया जो मुनि बनेगा उसके मुनि योग्य क्रियाएं होंगी, जो श्रावक बनेगा वो श्रावक योग्य क्रियाएं होंगी, जो ग्रस्त होगा वो ग्रस्त की योग्य क्रिया। मैं कौन होता हूँ उड़ाने वाला? तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसका निषेध करता हूँ? मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि देह की क्रिया से धर्म नहीं होता। देह की क्रिया नहीं होती ये कब बोला? देह की क्रिया तो भूमिका के अनुसार हुए बिना रहेगी नहीं, उसमें क्या है? चलो तुम्हें धर्म की भूमिका समझ में नहीं आती, समझ मैं तुम्हें कर्म से समझा देता हूँ। जो तुम 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में जब बच्चे थे, और उस समय तुम्हारी देह क्रियाएं जैसी थी वैसी अब है क्या? हम उछल कूद करते थे, कहीं से भी कूद जाते थे, खूब तेज दौड़ लगाते थे, शांति से नहीं बैठते थे, यही था ना हमारा बचपन क्या साहब? फिर तुम जब 20-22 साल के हो गए तो वे क्रियाएं बदल गई, तुम्हारे तौर तरीके बदल गए। अब तुम थोड़ा चश्मा पश्मा लगा के चलने लगे, अब तुम्हें कूदने की चिंता नहीं है, दौड़ने की चिंता नहीं है, अब स्मार्ट दिखने की चिंता है, है ना? अब स्मार्ट दिखने की चिंता, क्यों? 20-22 साल का हो गया ना, तो जवान हो गया, तो जवान होता है तो उसको स्मार्ट दिखना है, उसको शादी करनी है ना, तो उसको ये खेलने कूदने की चिंता नहीं होती कि मैं खेलूं कूदूं। अब मेरा प्रश्न है, इसने खेलना कूदना बंद क्यों कर दिया? प्रश्न है कि भाई कर क्या दिया? अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, जैसा बंद क्यों कर दिया आपने खेलना कूदना? क्यों नहीं खेलते कूदते आपको कि कैसी बातें करते हो? ये कोई प्रश्न है, इसमें कोई सोचने जैसी बात? तो जैसे ये प्रश्न में कोई दम नहीं है, ऐसे इस प्रश्न में कोई दम नहीं है कि देह की क्रिया बिना धर्म हो सकता है क्या? ये बिल्कुल आप हमेशा के लिए समझ लो। अब मैं तो कई प्रवचनों में समझा चुका हूँ, फिर भी ये प्रश्न सामने आ जाते हैं। कल उनका फोन आया तो मेरे को लगा कि चलो इतने दूर से कोई पूछ रहा है, तो मैंने कहा मैं कल, अब उनको फोन पे क्या समझाता, तो मैंने कहा अब आप कल के प्रवचन में मैं बताऊंगा इसको, तो आप सुन लेना, अब आज वो सुन लेंगे। भाई देह की क्रिया के बिना धर्म नहीं होता, ये प्रश्न ही बेकार है। अथवा देह की क्रिया करने से धर्म होता है, ये प्रश्न भी बेकार। भाई धर्म तो आत्मा की चीज है ना, वो तो आत्मा के अनुभव करने पर, आत्मा में रमने पर, आत्मा का दर्शन करने पर, आत्मा का श्रद्धान करने पर होता है। और देखो धर्म कहते किसे? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषा आज से हजारों वर्ष पहले सर्वज्ञ भगवंतों ने, मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने, कुंद कुंद भगवान ने बताई, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। इसमें क्या है? अब वस्तु का स्वभाव क्या है? तो देखो अपने को जो वस्तु का स्वरूप है ये समझना चाहिए, धर्म अपने आप हो जाए।
क्योंकि धर्म करने की चीज नहीं है, धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, स्वरूप है। जैसे आग का स्वभाव उष्णता है तो वो उसका धर्म है। कोई पूछे आग का भी धर्म होता है क्या? हाँ, आग का भी धर्म होता है, जो उसकी नेचर है वो उसका धर्म है। नींबू की जो नेचर है वो नींबू का धर्म है, जल का जो नेचर है वो उसका धर्म है। हाँ, अपना अपना नेचर है। पर्याय का भी अपना धर्म है, जो पर्याय की नेचर है उसका धर्म है। द्रव्य की अपनी नेचर है, गुण की अपनी नेचर है, उसमें क्या है? तो देखो भाई, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते। अब देखो, देह और आत्मा दो अलग अलग पदार्थ हैं, ये तो सारी दुनिया जानती है ना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, ये तो सारी दुनिया मानती है ना कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब अगला बात यह है कि तुम शरीर हो के आत्मा, कि हम शरीर तो नहीं है साहब, ये भी। तो अब शरीर नहीं हो और आत्मा हो तो शरीर की क्रिया से आत्मा का धर्म कैसे हो जाएगा? आत्मा की प्राप्ति कैसी हो जाएगी? पकड़ में आए कि नहीं आए? तो साहब, आत्मा की प्राप्ति के लिए क्या करें? कि आत्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा की प्राप्ति करो, आत्मा को समझो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का स्वरूप समझो। भूखे रहने से आत्मा क्यों मिलेगा, ये बताओ प्रश्न है मेरा। कोई आदमी भोजन नहीं करे उसको आत्मा मिल जाएगा क्या भोजन नहीं करने से? क्योंकि भोजन तो शरीर की क्रिया है, और शरीर की क्रिया भोजन छोड़ने से अथवा करने से आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? तो फिर सब शास्त्रों में व्रत, शील, संयम आदि की बात क्यों आई? ये प्रश्न आता है लोगों के मन में। भाई, व्रत, शील, संयम आदि की बात शास्त्रों में इसलिए आई कि जिसे आत्मा मिल जाता है, जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और फिर धीरे धीरे आत्मा में लीनता बढ़ती है, तो पांचवा गुण स्थान हो जाता है। तो जब अंदर दो कसाय चौकड़ी का भाव हो जाता है तो बाहर में अपने आप ही मर्यादित जीवन होने लगता है। वो मर्यादा करता नहीं है, वो होता है, और वो करना पड़ता है। ये मान्यता मिथ्यात्व है, अथवा ऐसी मान्यता कि करे बिना होगा नहीं, ये मिथ्यात्व है। जैसे देखो, हमारी उम्र बढ़ती गई, हम पहले बचपन में थे, उसी उदाहरण को देखो आप, तो बचपन में आपके जो स्थिति होनी चाहिए वो थी। आप 20 साल के हुए, देखते हो ना, है समझते हो, आपके बच्चे बड़े बड़े हुए हो रहे हैं, किसी के तो हो गए। अब जैसे मैं अभी देखता हूँ, मैं एक एक चीज़ नोटिस करता रहता हूँ अपने बेटे की, कि पहले चाय जो कपड़े पहना दो कोई मतलब नहीं, बस खेलने दो। अब आजकल खेलना कम, कपड़े ठीक होने चाहिए। अब ठीक है, ये देख रहा हूँ ना मैं उसका नेचर। अभी थोड़ा और बड़ा होगा तो अभी मेरे से कहेगा कि तुम चुप रहो, ख्याल में तुम्हें कुछ पता है, ठीक भाई बात ठीक है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं ये नेचर जानता हूँ कि भाई ये सही चल रहा है, एकदम ठीक चल रहा है। और फिर 20 साल का होगा, 22 साल का होगा, तो वो और अलग नेचर होगी। लेकिन देखो, माँ बाप को उस नेचर से कोई दिक्कत नहीं होती कि जी हमारी पहले तो ऐसा करता था, आजकल तो सीधा निकल जाता है, आजकल तो बात ही नहीं करता, और पहले तो गोदी में आके बैठ जाता था। अब 20 साल का लड़का गोदी में आके बैठे तो ऐसा बच्चा अगर तुम्हारे घर में पैदा हो जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हैं, नहीं लगेगा ना। तुम कहोगे यार इसको कोई बीमारी है, इसको तो डॉक्टर पे ले जाना पड़ेगा। लेकिन वो 20 साल का बच्चा है, वो अकड़ के चलता है और वो नहीं बोलता, तो ये ठीक है, लक्षण ठीक है, सही जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे वहां पर उसकी भूमिका बढ़ती है तो उसकी नेचर बदलती है और उसकी उछल कूद कम होती है। अब कोई पूछे कि उछल कूद कहाँ चली गई? अरे कहाँ चली गई क्या जी, उम्र बढ़ी और वो कहीं और लग गया तो उछल कूद करना भूल गया। फिर और चलो और बढ़ो, 30-35 साल का हो गया, बाप बन गया, बाल बच्चे हो गए, तो वो और ज्यादा गंभीर हो गया। अब उसको अपने कपड़ों की चिंता नहीं होती, अब बच्चों के कपड़ों की चिंता होती है। अब कोई कहे जे क्या हो गया साहब, पहले तो अपने कपड़ों की चिंता करता था, देखा अपन ने, देखा अपन के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बेटा कहीं जा रहे हैं तो बच्चा कपड़ा पहन रहा है, बेटा कपड़ा, और पत्नी पूछती है तुम क्या पहनोगे, तो बाप कहता कुछ भी दे दी, कुछ भी पहन लूंगा, क्या है इसको बढ़िया पहना दी। ख्याल में है ना, देखो समझ में आया ना। अब कोई कहे जी क्या हो गया, पहले तो तुम बहुत करते थे। अरे ठीक है, और बच्चे बड़े होते हैं, पत्नी पूछती है क्या बना दे, भैया बेटे से पूछ ले, वो जो कहे वो बना दे। अब ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ये सब वस्तु का स्वरूप है। ऐसे ही
जब जीव आत्मानुभूति करता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, तो उसके अनंतानुबंधी कसाय चली जाती है, मिथ्यात्व चला जाता है, तो उसको जुआ खेलने का भाव अपने आप नहीं आता, वेश्या के पास जाने का भाव नहीं आता, सहज है बिल्कुल, किसी जीव को मारने का भाव नहीं आता, किसी की संपत्ति छीनने का भाव नहीं आता, किसी के नंबर दो का हड़प लो माल ऐसे करने के भाव नहीं। ये अब इसमें कोई कहे कि क्यों, ये क्यों नहीं, ये अनंतानुबंधी कसाय चली गई इसलिए ऐसा ही होगा। अब चलो आगे चलो कि और उसने आत्मलीनता करी, पांचवा गुणस्थान हो गया, तो पांचवा गुणस्थान होगा तो पांचवा गुणस्थान होते ही दो कसाय चौकड़ी के जाते ही प्रथम आ जाएगी, वो लाता नहीं है वो कुछ भी, तो ऐसी नेचर होने के कारण, वस्तु स्वरूप ऐसा होने के कारण उस शास्त्रों में वृत्तशील संयम आदि का वर्णन है। वो वृत्तशील संयम आदि से धर्म होता है ऐसा नहीं, धर्मात्मा जीवों के भूमिका के अनुसार ऐसे वृत्तशील संयम आदि के भाव आए बिना नहीं रहते हैं।